नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। आपके साथ मैं हूं अनिशा चुनेजा। जैसे कि आज दशहरे का पर्व है, पूरे देश में लोग धूमधाम से दशहरे का पर्व मना रहे हैं, जिसके चलते आज हम सोनीपत में मौजूद हैं, जहां पर स्कूली बच्चे रावण को तैयार करते नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आप कितने सालों से रावण को तैयार कर रहे हैं? लगभग 5 साल हो गए हैं रावण बनाते हुए। ये बहुत मेहनत करते हैं इसको बनाने में। हम कुछ के बनाते हैं, कैसे कैसे करके टाइम निकालना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ाई छोड़ने खाली रावण बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये बात नहीं है कि हम खाली रावण में भी सारा टाइम करते हैं, रावण में भी टाइम देते हैं और पढ़ाई छोड़ते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपको रावण को तैयार करने की प्रेरणा कैसे मिली थी, रावण को तैयार करना है कैसे? रावण में रावण प्रार्थन की प्रेरणा ऐसे मिली, जैसे हम जब छोटे बच्चे थे तो हम जैसे रावण देखने जाते देखते थे, पहले बनता हुआ देखने जाते थे, देखते थे वो कैसे इतना टैलेंट होता है उनमें। तो जैसे हमारे में हम भी मोटिवेट हुए इन चीज़ों से, इसलिए हमें भी मेहनत लगी कि हम हमसे भी सोचते हैं कि हमें अब रावण बनाना चाहिए। तो आप लोग जो फंड्स है कैसे इकट्ठे करते हैं, आपकी कोई हेल्प करता है? हाँ, गली के जो बड़े लोग होते हैं, हम हमारे पैसे इकट्ठे करने में, और हम भी कुछ कुछ पैसे मिला के रावण को तैयार कर देते हैं। तो और कुछ हर साल कुछ नया लेके आते हैं, कुछ नया कंसेप्ट या पुराने तरीके से ही बनाते हैं? हम हर साल नया नया तरीका यूज कर रहे हैं रावण बनाने। पिछली बार हमने जैसे हाइट में भी छोटा था, अगली बार हाइट में हमारी 7 फुट है। रावण जो आज दशहरा मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी? दशहरा क्यों मनाया जाता है? हम सब जानते हैं कि दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारा था। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।